तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नए से वीडियो में। आज हम खेलने वाले हैं एक और कस्टम की 1v1 वीडियो में। तो आज हम करने वाले कस्टम किलर वाइटी के साथ। तो ये कस्टम एक और बार किया था मैंने, दूसरा कस्टम है ये, एंड मैं पहला कस्टम जीत गया था जिसे मैंने अपलोड नहीं किया। मेरा रिकॉर्डिंग ग्लिच हो गया था उस वक्त। अभी भी मेरा रिकॉर्डर एकदम ग्लिची है, लाइक मुझे अभी अपना रिकॉर्डर जल्दी ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें कमेंट्री कर रहा था जिसके वजह से बहुत इजी भी हो रहा था एडिट करने में वीडियो। एंड ये दूसरी बार है वीडियो में फिर से लाइक करप्शन आती है एंड फिर से प्रॉब्लम्स होते हैं एंड मुझे फिर से एडिट करना पड़ता है। एंड इस बार मैंने तबाही वाली म्यूजिक भी डाल रखी है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मैंने अपने दोस्त किल्लर वाइटी को बुला लिया है एंड गलती से मैंने एक और लोग आदमी को बुला दिया। आई एम एक्चुअली सॉरी, मुझे किकआउट करना पड़ा। इट वॉज ए मिस्टेक गाइस। एंड ये बंदा किलर वाइटी, क्या ही बंदा। ये बंदा बोल रहा है अरे रुक, अरे मुझे 1v2 करना है, मैं अकेला एंड तुम दूसरे प्लेयर के साथ, कुछ भी मतलब। जबकि वो एक बार जीता है, वो एक बार भी नहीं जीता है, मैं ही जीता हूँ। अभी हमने इसके बाद भी एक और कस्टम किया था जिसमें मैंने गलती से सब कुछ ऑफ रखा था, लिटरली सब कुछ, लिमिटेड एमो यस था। एंड वो कस्टम जीत के ये बंदा क्या ही खुश हो रहा था। ये बंदा बोल रहा है अरे वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा ना, इसलिए तो भैया मिला ना मुझे, मतलब मैं ही जीत गया ऐसे ब्ला 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 ब्ला। तो आती है कस्टम के बारी, हम कस्टम के मैच के अंदर आ चुके हैं एंड मेरे पास ये M4A1 एंड ग्लू वॉल, ऑब्वियसली ग्लू वॉल होगा ही होगा। एंड इसे गंदा डैमेज पड़ा, आई एम श्योर वो 150 समथिंग HP में होगा, उसके करीब होगा। एंड गेस व्हाट, इस बंदे ने सर्कल बनाया एंड अचानक से निकल गया 90 का डैमेज। भाई साहब मेरी क्या ही फटी इस वक्त। एंड 90 का डैमेज बहुत गंदा था एंड मैं हील करने लग गया एंड मेरा जस्ट एम है कि उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना, क्योंकि मेरा प्लान है लास्ट टाइम जिस तरीके से हराया था उसी तरीके से डोमिनेशन के साथ हराना। तो हाँ, यही मेरा एक प्लान था। एंड उसे हेड मारने जा रहा हूँ, मैं ड्रैग हेड मारने ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये बंदा बड़ा ही तेज़ है। मैं मेडकिट मारने लग गया क्योंकि ऑब्वियसली मुझे हील करना है एंड मुझे जल्द से जल्द ख़त्म भी करना है इस बंदे को। एंड मुझे आइडिया ही नहीं है कहाँ पे है ये बंदा। एंड अचानक से पीछे से आता है, थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करता है एंड ख़त्म, बाय बाय टाटा, गया पूरी तरीके से ख़त्म कर गया उस बंदे। एंड राउंड टू की बारी। तो मेरा प्लान है इस वक्त ऑब्वियसली, कौन सी गन गेस करो गाइस, थॉम्सन। क्यों लिया है मैंने, बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे होंगे अरे थॉम्सन क्यों लिया, M18 लेना चाहिए था ना, M18 थॉम्सन से अच्छा है। मैंने थॉम्सन इसलिए लिया क्योंकि थॉम्सन में पहले तो उसे चांस मिलेगा एंड दूसरा मेरा थॉम्सन में SMG गन्स एंड AR गन्स बहुत अच्छा चलाता हूँ एंड उसमें बहुत OP ड्रैग लगता है। तो हाँ, इसलिए मैंने थॉम्सन लिया क्योंकि उसमें से OP ड्रैग हेडशॉट लगता है मेरा एंड ये स्पेशली शॉट के लिए भी बने होते हैं गन्स। तो M18 नहीं लिया मैंने, आप बोल रहे हो अरे शॉट के लिए चाहिए था तो M18 ले लेते, थॉम्सन क्यों लिया। एंड मैंने यहाँ पे रियलाइज ही नहीं किया कि उसके पास M10 है, M10-14 है उसके पास, रियलाइज ही नहीं किया मैंने। एंड ऐसे घुस के मार दिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके रियलाइज किया भाई उसके पास एक्चुअल शॉर्ट रेंज था एंड मेरे पास मिड रेंज। आप बोल रहे हो अरे स्पेशली तो उसके लिए शॉट के लिए बनाया होगा, बोला ना अभी। हाँ, लेकिन SG गन्स अभी भी ज़्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली बने लॉन्ग रेंज के लिए, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए। लेकिन फिर भी M18 एंड M10-14 ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आते ही मैं प्लान जस्ट ड्रैग मारना था एंड आप देख सकते हो ड्रैग कुछ ज़्यादा ही लग रहा था मेरा। एंड ये बंदा एक ही जगह खड़ा हुआ है, मुझे बाहर निकलना, मैंने हील कर दिया एंड यहाँ पे जाता हूँ तो देखता हूँ क्या लॉल दिखाता है नू बड़ा।
इससे डैमेज पड़ा, लेकिन मुझे ज्यादा डैमेज पड़ा। मैं सीधा आता हूँ 95 HP में। मैंने फिर से हील किया एंड ये बंदा फिर से सेम स्ट्रैटेजी अपना रहा है। इस बंदे को वो डैमेज दिया, लेकिन आई एम श्योर वो बहुत लो है इस वक्त, लेकिन मरने की हालत में। तो ये बंदा, इस बंदे को पता चल गया कि वो जो स्ट्रैटेजी अपना रहा है ना, उसमें 50-50 का चांस है। या तो 50% उससे ही डैमेज पड़ेगा, या तो मुझे ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। एंड ये बंदा सेटअप क्लोल कर रहा है, मुझे मालूम नहीं क्या बोल रहा है। एंड मेरे पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं इसके पास क्या गन से। मैं इसी की वजह से एकदम डरा हुआ हूँ। एंड थॉम्सन में ब्लू वॉल एकदम ख़राब भी लग रहा है, मेरी हालत ख़राब है। मुझे थॉम्सन को यूज़ करने के लिए मिड रेंज में जाना पड़ेगा, शॉर्ट में नहीं एंड लॉन्ग में। दो हेड में लग रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे मिड में जाना था, क्योंकि मैं थोड़ा करीब जा रहा था। MP40 छोड़ाने के बाद में सोच रहे हैं, लेकिन इस सत्र में पड़ी थी। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अभी थॉम्सन से उड़ा देते हैं, मिड रेंज से भी हम मिड रेंज से थोड़ा करीब, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एंड कहाँ से आया ये बंदा गाइस, मुझे कमेंट में बताना अगर आप लोगों ने इसे थोड़ा भी देखा। अचानक से ये बंदा आया और सीधा ही मारने लग गया। ये बात अलग है कि एक गोली लगी है, लेकिन फिर भी ये बहुत खराब हो जाता है। एंड से खाली डेजर्ट लाके मेरी बेइज्जती करता है ये बंदा। मुझे इसके ऊपर कितना ज़्यादा गुस्सा है जब इसने ये किया। एंड एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एंड हाँ, तो मेरा प्लान है सीधा ही घुसना। चार ग्लोअल हो गए, उसे इतने बार उड़ाया मैंने कि चार ग्लोअल्स हो गए। एंड सीधा ही जाके उड़ाऊँगा, फिर से सेम स्ट्रेटजी थॉम्सन से उड़ाऊँगा या शॉर्ट रेंज में जाके M10 से उड़ाऊँगा। अरे ये क्या हो गया, सीधा हेडशॉट। भाई 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 भाई, एक जीत क्या मिल गई, लॉल दिखाता है। ऐसा कौन करता है यार, एक जीत और लॉल। मुझे क्या ही गुस्सा आ रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे, लॉल एक जीत पे। भाई साहब, मैंने अभी अपना दिमाग बना लिया था, अभी सीधा ही जाऊंगा, उड़ाऊंगा इसे एंड सीधा ही लॉल दिखाऊंगा, सीधा ही लॉल दिखाऊंगा। एंड इस बंदे ने फिर से सेम स्ट्रैटेजी। गाइस अगर आपने रियलाइज़ नहीं किया होगा तो मैं बोल दूँ, हर बार मैं एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी से खेल रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ अरे थॉम्सन लूँगा सीधा उड़ा दूँगा, M18 लूँगा सीधा उड़ा दूँगा, ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन अलग अलग टाइप में जा रहा हूँ ना मैं। या तो मिड से जाके बॉडी से उड़ा रहा हूँ, या तो हेड से। ये बंदा सेम प्लान उड़ा रहा है, सेम प्लान यूज़ कर रहा है बार बार, तो मुझे उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एंड मेरा ग्लू वॉल ख़राब लगा एंड मेरा जॉयस्टिक ग्लिच हो गया। अगर आपको नहीं मालूम जॉयस्टिक ग्लिच, आप एक्चुअल प्लेयर हो ही नहीं, क्या ही बोलूँ मैं, कितना गंदा ग्लिच है। एंड ये बंदा वुकोंग बन गया एंड इसका वुकोंग, इसने अपना वुकोंग वेस्ट किया एंड मेरा वुकोंग वेस्ट हो गया। व्हाट ए टाइमिंग। एंड ओपी यार, लॉल दिखाता है मुझे लॉल दिखाता है। एंड मैंने उसकी स्कार ले ली, मुझे M18 लेना चाहिए था मालूम है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने स्कार ली। मुझे मैंने सोचा अरे अभी स्कार आ ही गया है तो उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ा मना लिया जाए, उसकी स्ट्रैटेजी से उसे ही उड़ाऊंगा। आओ, अगर आपको नहीं मालूम हो क्या रहा है, मेरा टैब गिर रहा है बार बार, ये हो रहा है। एंड इसकी स्ट्रैटेजी से इसको ही उड़ाऊंगा, मज़ा आएगा। मेरा प्लान था डोमिनेशन जीरो, कितना ओ क्या ही हेड मारा इस बंदे ने, इस बार ये लॉल भी नहीं दिखा रहा। मेरा प्लान था 07 से उड़ाना इस बंदे को, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किया था 073 से उड़ाया था। इस बार मेरा प्लान था 07 से उड़ाना, लेकिन दो राउंड वो जीत गया बंदा, फेयर एंड स्क्वेयर से जीता है, लेकिन लॉल दिखाया विच वॉज वेरी बैड। मुझे बुरा लगा लॉल दिखाया इस बंदे ने, इसलिए मुझे बुरा लगा। एंड नो प्रॉब्लम गाइज, अभी बुइया लेंगे उसके बाद उसे बात करेंगे। गाइज मैं इसका रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरे पास इंटरनल नहीं है। एंड क्या ही डैमेज पड़ा, आई गेस वो 150 समथिंग डैमेज होगा, आई एम नॉट श्योर, करीब करीब
लाइक 100 समथिंग डैमेज होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा डैमेज हुआ है वो, 100 प्लस डैमेज है वो बंदा। एंड उसने क्या ही मारा स्कार से, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, पहली बार एक बंदा देखा है मैंने जो स्कार यूज़ करे, एंड फिर से अचानक से कहाँ से आया ये, कहाँ से आता है ये बंदा, मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइज अगर आपने रियलाइज़ नहीं किया, अभी तक दो बार ऐसा हो चुका है कि मुझे पता भी नहीं और ये अचानक से आता है, एंड फिर भी इसने अपने आप को ट्रैप कर दिया, इसे मालूम ही नहीं कि मैं कहाँ पे था यार। आई एम सॉरी फॉर हिम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, कस्टम कर रहा हूँ और जीत के मैं ही खुश हो रहा हूँ। किलर आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एटलीस्ट आई फील लाइक कोई देखता नहीं ये वीडियोस, इसलिए भूतों से बात करना पड़ता है। गाइस वीडियो को लाइक करो यार, बुरा लगता है कोई वीडियो देखता ही नहीं है, लाइक तक नहीं करता, एंड मैं सारा दिन मेहनत करते रहता हूँ वीडियोस रिकॉर्ड करने में। आप बोलोगे अरे वीडियो तो तू एक दो हफ्ते में एक बार अपलोड करता है, तू क्या बोल रहा है मेहनत मेहनत मेहनत। गाइस अगर आपको ऑब्वियसली पता नहीं होगा, लेकिन मैं वुल्फ टाउन की वीडियोस पिछले 15 दिनों से, एक महीने से ऊपर, तब से रिकॉर्ड करने ट्राई कर रहा हूँ। और आप बोल रहे होगे अरे 15 दिन एक महीना थोड़ी ना होता है, जाने दो, क्या ही बोलूँ मैं, कितने सारे कस्टम्स रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन अपलोड होने में एक दो घंटा लेता है, इसलिए मैं अपलोड कर ही नहीं पाता है, एंड पूरी तरीके से ख़त्म गया, बाय बाय। एंड गाइज आपको ये मोमेंट का इंतज़ार होगा, क्योंकि मैं अभी कुछ ऐसा करने वाला हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। आप बोल रहे अरे ग्रेनेड, भाई क्या ही नूबड़ा है तू, तुझे मालूम नहीं क्या कस्टम में यूज नहीं करते ग्रेनेड। हाँ देखो देखो गाइज करता क्या हूँ मैं, देखो मैं प्लान था अभी 2-2-7 से उड़ाना, लेकिन एलिमिनेशन टाइम, इसे एलिमिनेट होके क्या ही गंदा एम्बेरस फील कराऊंगा, आप बिलीव नहीं करोगे उतना ज़्यादा एम्बेरस फील कराऊंगा। ओके 3 राउंड ही रहने, तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेते हैं, नो प्रॉब्लम। साइक मैं ये राउंड भी मरने वाला हूँ, मैं ग्लूअल क्यों लगा रहा हूँ आप पूछो तो, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है क्या वो मुझे उड़ाए, मुझे बिल्कुल मन नहीं है। एंड राउंड स्टार्ट होने का ही वेट कर रहा हूँ मैं, इसे सीधा ही उड़ाना है मुझे, अपने आप को उड़ाना है, मुझे पंछी बनने का मूड था। ओके इसे मैं अपने आप को ख़त्म करने नहीं दूंगा, लेकिन ख़त्म अपने आप को ही ख़त्म करूँगा, इसे बिल्कुल ख़त्म होने नहीं दूंगा, ख़त्म करने नहीं दूंगा। एंड ये बंदा क्या ही एम्बेरस हो चुका है एक्चुअली। एंड जब हम इसका रिएक्शन लेने गया था ना मैं, तब ये बंदा बोल रहा अरे यार क्या ही यार एलिमिनेट हो गया आप, लाइक एक्चुअली ही वॉज एम्बेरस। एंड एक और राउंड करने वाले हैं, दैट्स इट, उसके बाद नहीं करूँगा मैं, मुझे ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लूँगा तो देर इज़ ए 50-50 चांस, अगर अज्जू भाई होते तो उनके लिए तो खाली 10-10 का चांस होता, 10-10 क्या बोल रहा हूँ, 90-10 का चांस होता, वो आराम से उड़ा देते। एंड मैं ऐसे ही उसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा था एलिमिनेट हो जाऊँ क्या नहीं, एंड मैंने डिसाइड किया फाइनली एलिमिनेट हो जाता हूँ, यार क्या जाएगा ओपी कस्टम तो जीतूँगा। एंड मैंने सोचा अरे 50 HP में जाता हूँ, लेकिन रिप। तो देखते हैं कस्टम अभी कौन जीतता है, और मैं ये राउंड इसे देने नहीं वाला हूँ, ये राउंड इसे दूंगा ही नहीं मैं, मैं इसे थोड़ा वुडपेकर से थोड़ा डैमेज दूंगा एंड उसे छोड़ दूंगा, उसके बाद वुडपेकर से थोड़ा डैमेज दूंगा, उसके बाद अगर हाँ वुडपेकर से डैमेज दूंगा, उसके बाद M18 से थोड़ा सा उड़ा दूंगा, या डीगल से भी उड़ा दूंगा, मुझे आई डोंट माइंड दैट, मैं थोड़ा सा ही डैमेज देने वाला हूँ। आई एक्चुअली डिडंट मेंट टू डू दैट, मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वन टैप मारने का, आई एक्चुअली प्रॉमिस गाइस, मैं कभी भी ये मेरा पहली बार है वुडपेकर से वन टैप मारने का, एंड मैं बिल्कुल भी मूड नहीं था वन टैप मारने का, वो भी वुडपेकर से। एंड मैं बोल क्या सकता हूँ, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय इट, आई विल सी यू गाइस एट द नेक्स्ट वन, बाय बाय। ओके बाय बाय।